ब्राह्मण समाज ने वेब सीरीज पर आक्रोश व्यक्त किया। जी हां, खबर है यूपी के हाथरस जिले के सिकंदराव थाना अंतर्गत के राष्ट्रीय विप्र एकता मंच की बैठक में नगर तहसीलियों विधानसभा की युवा मोर्चा टीम के नवीन पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में वेब सीरीज तांडव में सनातन धर्म को अपमानित करने पर तीखा आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी ने कहा कि जहां बॉलीवुड ने बहुत अच्छे कलाकार दिए हैं, वहीं आज बॉलीवुड के एक गैंग काम कर रहा है जिसका लक्ष्य है सनातन धर्म को अपमानित करना और उसे नीचा दिखाने का। वह सभी ब्राह्मण को टारगेट करते हुए सनातन धर्म पर हमला करते हैं। सिर्फ एक फिल्म का विरोध करने से काम नहीं चलेगा, इस सोच का विरोध करना पड़ेगा और ऐसी सोच वाले लोगों को बेनकाब करते हुए दंड देना होगा। लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, यह अच्छा संकेत है। आज सनातन धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं, गलत मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए तयार है। देखे सिकंदरा राव से धीरज कुमार यह रिपोर्ट। जैसे कि मैं आपको घटना बताना चाहूंगा, अगर तो बलरामपुर का एक कल मेरे पास फोन आया, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार है जिसके एक व्यक्ति को जबरन पीट पीट के लोगों ने मार दिया और मारने के बाद में क्या होता है कि आज उसी के परिवार पर वहाँ के स्थानीय विधायक मुकदमा कराने की धमकी दे रहे। ऐसी घटनाएं जब सामने आती है, हमने तत्काल SP और DM से बात किया। हमने कहा कि इस मामले में परिवार को न्याय दीजिए, एक तो उनके घर का व्यक्ति मारा गया है और तुम उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, पुलिस धमकाने का काम कर रही है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। ये क्या है भाई, एक व्यक्ति को सरेआम गांव में पीट पीट कर मार दिया गया और अब उसकी जो अपराधी है उनको पकड़ने के बजाय उस पीड़ित परिवार को धमकाने का काम कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। हमने SP से बात की है, हमने कहा इसमें तत्काल कार्रवाई कराई है और नहीं कराएंगे तो हम पहुंचेंगे बलरामपुर और हम धरने पे बैठेंगे। और एक घटना नहीं है, पूरे देश से घटनाएं आ रही है। आगरा के एक बाजीपुर थाना क्षेत्र की घटना है, वहां का भी ऐसे ही मामला है। एक फर्जी SC ST Act लगी हुई है एक व्यक्ति पर, उनका फोन आया था। ये समझो पूरे देश से फोन आ रहे हैं। और एक और घटना शायद हरदोई की है जिसमें शायद एक विधायक ने एक जिला पंचायत सदस्य को बेइज्जत करके एक कार्यक्रम से भगाया है और उनका अपमान करने का काम किया है। और उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने उस समारोह में कि वहां के स्थानीय लोगों की या किसानों की समस्याओं को वहां रखा था बैठक में, सिर्फ इसी बात पर उनको बेइज्जत करके भगा देना या निकाल देना। भाई ये कौन तरीका है, इस तरीके से अगर काम करोगे। और हमने कहा है, वहां भी अपने लोगों को बोला है कि आप मुकदमा दर्ज कराइए, जाइए और थाने में FIR कराइए और अगर थानेदार नहीं सुने फिर मुझे फोन करिए, मैं पहुंचूंगा वहां। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति का अपमान किया जाए। किसी को यह संविधान ने अधिकार नहीं दिया है कि कोई भी किसी आम नागरिक का भी कहीं अपमान कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई कराइए आप। पूरे देश में लोगों के फोन आ रहे हैं और जितनी ये समझिए रोजाना अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और जहां संभव हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं। लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं पूरे देश में। अभी राजस्थान प्रवास से लौटा हूं और उसके बाद में अगले कुछ लगातार महीनों के कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश में भ्रमण करना है। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज मजबूत हो, हम चाहते हैं सनातन धर्म मजबूत हो और हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। इन्हीं तीन कामों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संगठन काम कर रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सर।